नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज। स्वागत है आपका खबर गांव शहर में। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 32 दिन हुए। किसानों ने 29 दिसंबर को शर्तों के साथ सरकार से बातचीत करना तय किया। किसानों के अनुसार अगर वार्ता बेनतीजा रहती है तो आंदोलन तेज होगा। 30 और 1 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया। अब 29 दिसंबर को होने वाली वार्ता के बाद फैसला लेंगे। कोटा में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा अगले 5 दिन में प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। अगले वर्ष होने वाली सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट 31 दिसंबर को घोषित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक ऐलान किया। चूरू के बुजावास गांव में झोपड़ी में आग लगने से 2 साल के मासूम की जलकर मौत हो गई। चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग। बीते 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के 785 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना का कुल आंकड़ा 3,04,517 पहुंचा। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 7 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब तक 2,664 मरीज कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। हाड़ौते की सीताबाड़ी चौराहे गुरुद्वारा के पास सैकड़ों की तादाद में कृषि कानून के विरोध में किसान एकत्रित हुए। किसान पदाधिकारियों के नेतृत्व में बैठक की गई। सट्टे जुआ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस थाना रावला की टीम ने सफलता हासिल की। मुलजिम सुखविंदर सिंह को 27,000 रुपए नकद, लाखों रुपए का हिसाब और होंडा कार सहित गिरफ्तार किया। किशनगढ़ के मदनगंज मालवर एरिया में मंदिर भूमि से प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। लोगों को बार बार समझाने पर नहीं मानने पर प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। रटलाई के सावलपुर देवनारायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 11,000 लीटर दूध से मंदिर की नींव भरी गई। मंडावरा कस्बे के निकटवर्ती ग्राम गुहाला के विवेकानंद शिक्षण संस्था उच्च माध्यमिक विद्यालय के 3 छात्र छात्राओं का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित हुआ। परिवार और जनप्रतिनिधियों ने खुशी जताई। जयपुर में केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के बैनर तले कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथियों ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान और मोमेंटो प्रदान कर प्रोत्साहित किया। खिवसर तहसील के बैरातल गांव में किडनी खराब होने से पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर बच्चे की पढ़ाई का खर्च विकास कमेटी उठाएगी। करौली में प्योर इंडिया ट्रस्ट टीम द्वारा चलाया जा रहे मेरा गांव मेरा व्यवसाय कार्यक्रम के तहत अतेवा गांव में पाठशाला के सभी बच्चों को दंत मंजन वितरित किए गए। उद्योगी ने महिला के बच्चे का जन्मदिन भी मनाया। मोदरान के निकटवर्ती गांव धनासा की होनहार विद्यार्थी वर्षा कुमारी का भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ। इस पर विद्यालय के स्टाफ और ग्रामवासियों ने शुभकामनाएं दी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,732 नए मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव की संख्या 1,01,86,850।
बीते 24 घंटे में देश में 289 नई मौत के बाद कुल मौतों की संख्या 1,47,622 हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। कार्यक्रम का 72वां संस्करण होगा और पीएम मोदी 11 बजे देश को संबोधित करेंगे। भारतीय सेना के तकरीबन 150 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सभी जवान गणतंत्र दिवस और सेना दिवस परेड में भाग लेने वाले थे। छपड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बेनीवाल के एनडीए छोड़ने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, बेनीवाल को एनडीए में रहने का कोई औचित्य नहीं, अपने बूते चुनाव लड़ना चाहिए। राजस्थान युवा कांग्रेस का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 दिसंबर से जयपुर में शुरू होगा। आईसीसी ट्रेनिंग इंचार्ज सचिन राव कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस साल आखिरी बार मन की बात करेंगे। इस पर किसान संगठनों ने लोगों से अपील की है कि कार्यक्रम के दौरान ताली और थाली बजाकर विरोध करें। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी नीमराना पहुंचे। किसान चौपाल में नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और किसानों से समर्थन का आह्वान किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, नए कृषि कानून किसान के खिलाफ नहीं है, ये एक वैकल्पिक कानून है, इसके साथ ही पूर्ववर्ती कानून यथावत रहेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निर्धारित मापदंडों पर काम करते हुए राजस्थान ने देशभर में बेहतर प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले 6 राज्यों को 19,459 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उधार की अनुमति मिली। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने फैजाबाद के धनीपुर में बनने वाली नई मस्जिद के डिजाइन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, विदेश के तर्ज पर मस्जिद डिजाइन की गई। जौनपुर में महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाने और समस्याओं को त्वरित निस्तारित करने हेतु मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ। कानपुर में तेज रफ्तार ने फिर कहर ढाया। बिजुर थाना क्षेत्र के चौजीपुर मोड़ के पास अवैध खनन के चलते मिट्टी लदे डंपर ने बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी। युवती की मौके पर मौत। फिलहाल खबरगांव शहर में इतना ही। लगातार बने रहिए डीपी की न्यूज के साथ।